एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कढ़ी चावल खाने की बहुत सारी फरमाइशें आ रही थी कि हम वेट लॉस पे हैं तो कढ़ी चावल कैसे खाएं। तो भाई, बना दी कढ़ी आप लोगों के लिए। बहुत ही न्यूट्रिशियस है, बहुत ही अच्छी है, विटामिन मिनरल्स से भरपूर है और प्रोटीन रिच है। तो इसी के साथ मैं हूँ डाइटिशियन नीना सेठ फ्रॉम नीना ब्यूटी फिट क्लिनिक, मालवीय नगर, न्यू दिल्ली। अगर आप चैनल पर न्यू हैं आज, तो ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा वीडियो देखने के बाद। तो मैंने आज बनाई है बथुए की कढ़ी, और जिसे आप चावल के साथ खा सकते हैं आराम से, और साथ में इससे आपका वेट लॉस भी होगा और आपका वेट बढ़ेगा भी नहीं। जो लोग वेट लॉस कर चुके हैं वो भी खा सकते हैं और वेट मेंटेन रख सकते हैं। और इसमें बथुआ डाला है, पकोड़े नहीं डाले हैं। और पकोड़े भी आप डालकर अगर कढ़ी बनाते भी हैं तो उसका तरीका भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या आने वाली कुछ वीडियोस के बाद बताऊंगी। तो बेसन की कढ़ी है ये, और बेसन हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, प्रोटीन रिच होता है, ग्लूटेन फ्री होता है। और इसमें डाल दिया हमने बथुआ, जो कि मिनरल से और वाइटामिन से भरपूर है। और विंटर सीजन में जितनी भी लीफी वेजिटेबल्स मिलती हैं, अगर आप उसका सही ढंग से इस्तेमाल करें तो आपको वाइटामिन और मिनरल्स तो मिलते ही हैं, साथ में ही आपका वेट लॉस भी बूस्ट होता है। बथुआ जो होता है आयरन रिच होता है, अनीमिया जिनको है उनके लिए बहुत अच्छा होता है, और जिन लोगों को अगर जॉन्डिस हो जाता है तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होता है। इसमें विटामिन ए, सी, B6 और D पाया जाता है, तो बोन्स के लिए भी बहुत अच्छा है, आईसाइट के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है, और आपको इसको खाने से कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है। और इसकी बहुत सारी रेसिपीज़ बनती हैं हमारे घरों में। इसका रायता बना सकते हैं, पराठा बना सकते हैं, पूरी बना सकते हैं, और जैसे कि आज मैंने कढ़ी बनाई वो भी बना सकते हैं। तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए तो अच्छा होता ही है, साथ में स्किन और हेयर्स के लिए अच्छा होता है, बोन्स के लिए अच्छा होता है, और साथ में ही ये अच्छा होता है हमारे दांतों के लिए। जो हमारा टूथ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं उनके लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन एलर्जीज के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बथुआ एक बहुत अच्छा ब्लड प्योरीफायर भी होता है, और इसमें बहुत सारा फाइबर है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत अच्छा रखेगा। जो कर्ड डाला है उसके बारे में आपको पहले भी बहुत बार बताया। तो कर्ड हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, और हमारे हेयर्स के लिए बहुत सारी रेमेडीज इससे बनाते हैं, और स्किन के लिए भी बहुत सारी रेमेडीज इससे बनती हैं। तो देर ना करते हुए किचन का रुख करते हैं और आपको बना के दिखाते हैं ये बथुए की कढ़ी, जिसका आप मजा ले सकते हैं। ये लजीज सी दिखने वाली कढ़ी जो आपके वेट लॉस में बहुत सारा बेनिफिट देगी। और ये हमने लिया है कर्ड 1 कप, और उसमें 2 कप पानी डाल दिया है जैसे कि हम कढ़ी बनाते हैं, और 3 से 4 चम्मच बेसन डाल दिया है, और साथ में ही डाल दिया है हिमालयन पिंक सॉल्ट और रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, और अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। जैसे कि ये मैंने इसको विस्क कर लिया है मिक्सर में, और अब हमने लिया है ये बथुआ जो विंटर्स में बहुत अच्छा मिल रहा है आजकल, और इसको हमने अच्छे से धो के कट कर लिया है। तो अब हमने इस कढ़ी को डाल दिया इस कढ़ाई में, और इसको अब थोड़ी देर से बॉयल होने के बाद हम इसमें इन लीव्स को ऐड करेंगे, और कंसिस्टेंसी बिल्कुल कढ़ी वाली रहेगी इसकी, जैसे कि आप नॉर्मल कढ़ी बनाते हैं ना पकौड़े वाली, वैसी ही। तो अब हम इसमें बथुए के पत्ते डाल दे रहे हैं, और ये बिल्कुल अच्छे से गल जाते हैं, जब अच्छे से बिल्कुल डन हो जाएंगे, बॉयल आ जाएगा तो चेक कर लीजिएगा। ये देखिए ये बन चुकी है और बहुत ही टेस्टी दिख रही है। अब हम इसकी टेम्परिंग तैयार करते हैं। इसके तड़के में मैंने हींग, रेड चिली और राई, जो मस्टर्ड सीड होती हैं, और ग्रीन चिली डाली है, और कलर के लिए थोड़ी सी रेड चिली डालूंगी, जिससे कि तड़का देखने में बहुत अच्छा लगता है। और अब हमने इसको इस पर डाल दिया है, और बस ये बनकर तैयार है। तो आप आराम से इसका मज़ा लीजिए वेट लॉस में चावल के साथ। तो हो गई ना मज़ेदार बात, वेट लॉस भी, हेल्थ भी, और कढ़ी चावल भी। तो आपने देखा कि ये बथुए की कढ़ी कितनी फटाफट से बन गई, और आसान है ना। आप इसे फटाफट से बनाइएगा और मुझसे अपना फीडबैक शेयर कीजिएगा। और आप लोगों ने, जिन लोगों ने कढ़ी चावल खाने हैं, आप आराम से खाइए, चाहे आप वाइट राइस खाइए, चाहे ब्राउन खाइए, आप कोई भी खाइएगा, बट लिमिट में खाइएगा। और इस रेसिपी को आप लंच में यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छी है, बहुत ही बेनिफिशियल है आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। तो जो लोग आज चैनल पर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उनको ये वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हेल्दी अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू सो मच।